अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के दो स्मार्टफोन के बारे में, जहां पर एक जो है ओप्पो A8 है, दूसरा जो है ओप्पो A91 है, जो कि 2020 में लॉन्च किए जाने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में कितनी प्राइस के साथ में आ सकते हैं और कब तक जो है ये पाकिस्तानी मार्केट में आएंगे। तो हम जो है आपको इन दोनों स्मार्टफोन के मुतालिक पूरी डिटेल देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर वॉच करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो ओप्पो A91 जो है हमें बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप देने वाला है, जहाँ पर साथ में LED फ्लैश भी दिया गया है। और अगर बात करते चलें ओप्पो A8 की, तो वहाँ पर हमें जो है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और साथ में LED फ्लैश दिया गया है और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है रेयर की जानब देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर बात करते चलें फ्रंट की, तो हमें दोनों स्मार्टफोन में जो है हमें वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ओप्पो A91 जो है हमें 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देता है और जहाँ पर हमें जो है 6.4 इंचेस का एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला है। दोस्तों, अगर बात करते चलें हम यहाँ पर ओप्पो A8 की, तो उसमें जो है हमें 87.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाती है, जहाँ पर ये जो है 6.5 इंचेस का IPS LCD वाला डिस्प्ले है, जो कि 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर हमें दोनों स्मार्टफोन में जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है डिस्प्ले पर, और ओप्पो A91 जो है हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देने वाला है। रैम और रोम वेरिएंट के हवाले से बात कर ली जाए, तो ओप्पो A91 जो है हमें 8 GB के साथ 128 GB और ओप्पो A8 जो है हमें 4 GB के साथ 128 GB का वेरियंट देने वाला है, जहाँ पर आप दोनों स्मार्टफोन में जो है माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, जो कि 256 GB मेमोरी तक एक्सपेंडेबल है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी की। तो ओप्पो A91 जो है हमें बैक पर 4 कैमरा देता है, जहां पर मेन कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, दूसरा जो कैमरा है इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का और चौथा कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि डेप्थ सेंसर के तौर पर काम करेगा। दोस्तों, अगर बात करते चलें हम यहाँ पर ओप्पो A8 की, तो उसमें जो है हमें मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, दूसरा कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, तीसरा कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। दोस्तों, अगर बात करते चलें हम दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट के कैमरा की, तो ओप्पो A8 जो है हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देने वाला है और ओप्पो A91 जो है हमें उसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो हमें जो है दोनों स्मार्टफोन में ओक्टा कोर का CPU देखने को मिल जाता है, जहां पर ओप्पो A91 में जो है हमें MediaTek Helio P70 की चिपसेट देखने को मिल जाती है और ओप्पो A8 में जो है हमें MediaTek Helio P35 की चिपसेट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के OS की। हमें जो है दोनों स्मार्टफोन में Android 9 Pie का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि UI ColorOS 6 के साथ में आने वाले हैं। दोनों स्मार्टफोन में 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। ओप्पो A91 जो है हमें टाइप सी का पोर्ट देता है और ओप्पो A8 जो है हमें माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देता है। बैटरी कैपेसिटी के हवाले से देखा जाए, तो हमें जो है ओप्पो A91 4025 mAh की बैटरी देता है, जहां पर 30 वाट तक की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपका जो स्मार्टफोन है 50% चार्ज हो जाएगा 30 मिनट में। दोस्तों, अगर बात करते चले हम यहां पर ओप्पो A8 की बैटरी कैपेसिटी की, तो हमें जो है 4250 mAh की बैटरी दी गई है स्मार्टफोन में। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइस की। तो ओप्पो A91 जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है 40,000 रुपये की प्राइस के अराउंड में, और अगर बात करते चले हम यहाँ पर ओप्पो A8 की, तो उसकी जो प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट में 30,000 रुपये की प्राइस में जो है ये स्मार्टफोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट के हवाले से। तो ये दोनों स्मार्टफोन जो है चाइना में लॉन्च हो चुके हैं, तो जल्द ही जो है इंडिया में लॉन्च किए जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि ये स्मार्टफोन जो है पाकिस्तानी मार्केट में जनवरी के लास्ट वीक या फिर फरवरी में लॉन्च हो जाएंगे। दोस्तों, ऑल इन ऑल स्पेसिफिकेशन के लिए से देखा जाए, तो ओप्पो A91 जो है हमें एक अच्छा प्रोसेसर देता है, साथ में जो है अच्छी कैमरा क्वालिटी देता है। अगर ये स्मार्टफोन जो है 40,000 रुपये की प्राइस में पाकिस्तानी मार्केट में आता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम जो है आपके लिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।